मध्य प्रदेश भारत भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा जी। सर, सुबह सुबह कांटे की टक्कर नजर आ रही है, क्या लग रहा है आप देखते जाइए। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर इस बार की सर्वाधिक सीटें जीतेगी और ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेगी। किस आधार पे लग रहा है ये? भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर विकास और गरीब कल्याण, ये ताकत है भारतीय जनता पार्टी की। सर, अब तो प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जो काम किया है ये हमारी ताकत है। केंद्र राज्य सरकार की योजना माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए जनता परिणाम की तारीख आ गई। अब मुख्यमंत्री कौन अगर आप जीत? ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का काम है किस कार्यकर्ता को क्या काम देना है। लाडली बहना, हम सब एक ही काम में लगे थे। लाडली बहना, हम सब एक ही काम में लगे थे। वो काम था भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर, जो अमित शाह जी का संकल्प था कि मध्य प्रदेश के अंदर हम प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने का संकल्प लेकर के चले, हम उस काम में लगे। कहा जा रहा लाडली बहनाओं ने मामा जी को आशीर्वाद। भारतीय जनता पार्टी की सारी योजनाएं 3,62,05,00,000 रुपए प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण को, हर गरीब को ताकत दी है। तो सर, मुख्यमंत्री भारत, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री की हमारी लाडली बहना योजना, 1,31,00,000 बहनों को सम्मान देने का काम। धन्यवाद किसान सम्मान निधि, ये ताकत है भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा जी हैं जो कह रहे हैं कि हम एक आसान जीत पे पहुंचेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पे अभी भी लगातार यहाँ पे संशय कायम है।